लड़की ताबूत में लेटी हुई है। वो तुरंत उठ बैठी। वो स्वयं को प्राचीन काल में पाती है, लेकिन उन्हें भी उनके पति के साथ दफनाया गया। सौभाग्य से ये लड़का भी सुंदर है। लड़की ने शाही परिवार के दिल की धड़कन जांची। राजा अभी मरा नहीं है। उसे पूरा विश्वास है कि वो इस मरते हुए शाही परिवार को बचा सकती है। लेकिन नौकर अचानक अंदर आ गया। रे बाप रे, तुम इंसान हो या दानव? तुम नीचे जाओ और राजा को ढूंढो। आप मेरे लिए स्पष्ट रूप से देखते हैं। मैं अब भी यहीं रहता हूँ। राजा अभी मरा नहीं है। आप जीवितों को दफनाते हैं? आज हमें शाही परिवार को दफना देना चाहिए। किसी भी तरह यह मर चुका है। तुम लोग ऊपर आओ। एक अदना सा नौकर इस तरह बोलने की हिम्मत करता है? अगर हाँ, तो आज सबसे पहले मैं आपसे निपटूंगा। आमतौर पर कुलीन उपपत्नी आपको मृत होने के लिए धन्यवाद देगी, है ना? अब मेरी हिम्मत नहीं है। कृपया मुझे माफ करें। काम पर जाना। शाही परिवार को कमरे तक ले जाने में मेरी मदद करें। स्कैट। हालांकि उनका चेहरा थोड़ा विकृत था, लेकिन उनके पैरों में 10 कीलें ठोकी गई थी। लेकिन उन्होंने शाही परिवार को खुद को साफ करने में भी मदद की। इससे शाही परिवार को गर्मजोशी का एहसास होता है। लेकिन हालात अभी बदल गए हैं। उसने एक महंगा जेड पेंडेंट चुना और वहाँ से चली गई। हमें आशा देता है, फिर निराश करता है। यह मुझे मारने से बेहतर है। राजा असहाय है। उसे नहीं मालूम था कि लड़की भागना नहीं चाहती। लेकिन इसे 200 टेल्स के बदले में ले लो। चांदी की सुइयों और औषधीय जड़ी बूटियों का एक सेट खरीदें। लेकिन वापस लौटते समय अचानक उसे एक गरीब लड़की मिली। राजकुमारी जांच करने के लिए तेजी से आगे बढ़ी। बूढ़े की अभी भी एक सांस बाकी थी। मिस, आपके पिता को अभी भी बचाया जा सकता है। वो गिर गया जिससे जटिलताएं पैदा हो गईं। हम उसे बचा सकते हैं। मिस, आप सचमुच एक प्रतिभाशाली डॉक्टर हैं। मेरे पिता गिरने के बाद बीमार पड़ गए। जब तक मैं अपने पिता को बचा सकता हूँ, मैं जीवन भर भैंस और घोड़ा बनने को तैयार हूँ। नहीं, नहीं, नहीं। तुम मेरे पिता के साथ क्या करना चाहते हो? यह सही है, सबसे बड़ा मृतक। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक शरीर को इस तरह नष्ट करने की? चुप रहो, मैं उसे बचाना चाहता हूँ। मैंने कभी किसी डॉक्टर को बीमारी का इलाज करने के लिए चाकू का इस्तेमाल करते नहीं देखा। लेडी, उस पर विश्वास मत करो। क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं? ठीक है। सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति। जान बचाई जा सकती है। पिता, पिताजी ठीक हैं, बहुत फायदेमंद। ये सच है कि वो फिर से जीवित हैं। बहुत धन्यवाद, कोई जरूरत नहीं है। ये सच है कि बीमारी ठीक हो गई है। बहुत फायदेमंद, अविश्वसनीय, सचमुच एक जीवन रक्षक। थाई होंग अब से आपका अनुसरण करने के लिए स्वयंसेवक हैं। कोई जरूरत नहीं है। मुझे वास्तव में शाही परिवार की देखभाल के लिए किसी की जरूरत है। ठीक है, अगर ऐसा है तो बस मेरा अनुसरण करें। मैं तुम्हें तुम्हारा वेतन दूंगा। शाही परिवार, शाही परिवार, आप क्या कर रहे हो? अपने आप आत्महत्या करने का कोई रास्ता खोज रहे हैं? क्या तुम नहीं गए? वापस क्यों जाएं? मुझे लगा कि तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं है। हम कहाँ जा सकते हैं? मैंने अभी अभी जेड पेंडेंट को चांदी में बदला है। दवा में बदल गया। एक ऐसे व्यक्ति को भी भर्ती किया जो मार्शल आर्ट जानता हो। तुम्हारे इस राजमहल में सबकी नीयत बुरी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसे कैसे कहती हूँ। मैं अब एक राजकुमारी हूँ। क्या मैं इस महान पदवी को छोड़कर देशवासी बनने के लिए गांव लौट जाऊंगा? कुलीन स्थिति, मेरे जैसा कोई महान कैसे हो सकता है? आप मुझ पर भरोसा करते हैं? आइए मैं आपको एक्यूपंक्चर देता हूँ। आप खड़े हो सकते हैं। इसके अलावा मैंने सुना है कि आप अपने वर्तमान स्वरूप में परिवर्तित हो गए हैं। ये सब युवराज के कारण है। क्या आप बदला नहीं चाहते? क्या मैं सचमुच खड़ा हो सकता हूँ? बिल्कुल। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो मेरे चेहरे को छू लो। वो सिर्फ एक मांसपेशी शोष है। कोई बात नहीं, कृपया इसे आजमाएं। बस इसकी कोशिश। आप देखें, अभी तक ठीक लग रहा है। हम इसे स्थानांतरित कर सकते हैं। बिल्कुल।
हमें शर्मिंदा, भगवान यदि आप खड़े हो सकते हैं तो हम दोनों कुछ शर्मनाक कर सकते हैं। क्या आप ये चाहते हैं? महिला बदमाश, बेशर्म, तुम बेशर्म हो, शर्म कौन नहीं जानता। उसकी खुशबू वाकई बहुत अच्छी है। क्या सचमुच इस तरह की महिला मुझे मिल सकती है? मैं सर्जरी कराना चाहता हूँ, आप प्रवेश द्वार की रक्षा करें। आश्वासन दिया, मैं एक कदम भी नहीं छोड़ूंगा। शाही परिवार, अब से आपको बस एक अच्छी रात की नींद लेने की जरूरत है। एक बार जब मैं आपकी सर्जरी पूरी कर लूंगा तो आप खड़े हो सकते हैं। खड़े हो जाओ, कोई संभावना नहीं है। मैं अब भी आपके खड़े होने और मेरे लिए कुछ शर्मनाक करने का इंतजार कर रहा हूँ। यदि नहीं तो हम कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? तो इसे फिर से कहें, बेशर्म। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसलिए हम अब बात नहीं करेंगे, शाम तक रुको, मैंने कान में कहा। तो चलो शुरू हो जाओ। काश मैं सचमुच खड़ा हो पाता। मैं निश्चित रूप से अपनी पत्नी के रूप में तुमसे भव्य तरीके से विवाह करूंगा। वास्तव में कृपया पिता, आपको शाही जद में प्रवेश करने दें। तुम्हें सम्मान दिलाऊंगा। हम हमेशा साथ रहेंगे। क्या कहा आपने? हमेशा साथ रहो। मेरे कान साफ नहीं सुन पाते। मैंने कहा कि हम हमेशा साथ रहेंगे। वह बहुत आकर्षक है, लेकिन क्या आपको मैं पसंद हूँ? थोड़ा सा, असंभव। तुम मुझे थोड़ा सा भी पसंद नहीं कर सकते। तुम्हें सचमुच 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 मुझे पसंद करना होगा। मुझे अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। ठीक है, मेरे साथ ऐसे किसी व्यक्ति के साथ जीवन इतना दर्दनाक नहीं लगता। मुझे अपनी पूरी कोशिश करनी होगी, प्रयास उसे खुश करने के लिए। ठीक है, ये गोली लीजिए और अच्छी नींद लीजिए। जब तुम्हें होश आ जाए तो तुम खड़े हो सकते हो। क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? निश्चिंत रहें, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपके साथ रहूंगा। सफल, थोड़ी देर बाद आप खड़े हो सकेंगे। क्या कर डाले? मैं इसे रोक नहीं सकता। आमतौर पर कुलीन, क्या वो रानी की माँ है? महान महिला, मैं शाही परिवार को बचा रहा हूँ। राजा का पैर मेरे द्वारा ठीक हो गया है। तुम्हें इसे बचाने किसने जाने दिया? तुम्हें उसके मरने का इंतजार करना चाहिए, फिर मरना भी चाहिए। मैं उसके साथ मरने के लिए किसी को ढूंढ सकती हूँ और वो पहले से ही एक समर्पित माँ मानी जाती है। तो क्या हुआ, क्या यह अब भी जीना चाहता है? ये पता चला कि उसकी अपनी माँ भी चाहती थी कि वह मर जाए। आखिर यह है क्या, क्या वो कोई है? पास होना, उसे बाहर खींचो और मारो। हाँ, वो अभी मरी नहीं है, इसलिए रुके नहीं। कुलीन उपपत्नी, मैं महामहिम, महामहिम कृपया मुझे बचाएं। ये 3 साल से ठप पड़ा हुआ है। इस प्रकार लेटे रहना एक बेकार व्यक्ति है जो हिल नहीं सकता। अगर आप ऊंची आवाज में भी पुकारेंगे तो भी इसका कोई असर नहीं होगा। दूर किया गया। शाही परिवार, माँ, उसे रिहा करो। शाही परिवार, बच्चा, क्या आप अब खड़े हो सकते हैं? क्या आपको आशा नहीं है कि मैं ठीक हो जाऊंगा?